ये रश देखो, कितना रश है। ओ ये देखो लाइन कितनी लगी हुई है दूध की दुकान पे। ये बाहर तक ये देखो कितने लोग खड़े हैं। ये देखो तो भाई आज जो हमारी शायद होगी आखिरी इफ्तारी, सही है, क्योंकि आज रात को चांद दिखेगा। तो आज इफ्तारी में हमारे पास जो है दही बड़े हैं और यहाँ पर फ्रूट चाट है जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी डली हुई है, बाकी रायता है, ये आलू के पकोड़े हैं, ये जलेबी है, ये मसाला है, सही है, और ये रोल हैं सब्जी के, ये चिकन स्टिक है, ये फिर उसके पकौड़े आते हैं, किसके पकौड़े हैं, प्याज के पकौड़े हैं, ये छोले आ गए, चेक करो यार, ये बड़े मज़ेदार लगते हैं, मेरी खाला बनाती है। और ये जो है फिर यहाँ पर हमारे पास रिंग्स भी हैं और ये पालक के पकौड़े हैं, ये समोसे हैं, वोंटन है, चिकन के समोसे हैं, और इसके अंदर जो है ना फिर हमारे पास खजूर है। तो आज जो है ये हमारी शायद लास्ट इफ्तारी होगी, क्योंकि रात को हम देखेंगे चांद दिखता है नहीं दिखता। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे यार, कैसे हो आप सब। तो अभी जो अपनी इफ्तारी करके फारिग हो चुके हैं और अभी फैसला होगा कि हमारी ये लास्ट इफ्तारी है, फिर कल भी इफ्तारी होगी, क्योंकि अभी जो है ना सामने देखो पीछे टीवी चला हुआ है और ये जो है कमेटी अभी बैठेगी और टेलीस्कोप से वो उलमा कराम गए ऊपर देखने के लिए कि चांद दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो अभी थोड़ी देर में फैसला होगा और उसके बाद जो तुम लोग को पता है मेरा कज़न यार जैसे एहतिकाफ में बैठा है तो उसके बाद जाएंगे, हार शायद पहनाएंगे, उसको मुबारकबाद देंगे। तो खैर अभी तो टीवी के सामने सब बैठे हुए हैं यहाँ पर और वेट कर रहे हैं बस चांद दिखता है नहीं दिखता, और साथ जो हमारी चाय भी तैयार हो रही है तो वो बनती है, उसका तुम लोग को वो भी दिखाता हूँ। तो यार अभी तक जो है ईद का चांद नजर ही नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया यार, ईद का चांद हो गया है, पता नहीं क्या हो गया यार, नजर ही नहीं आ रहा है। तो खैर अभी जो अपने घर जा रहा हूँ, रस्ते से सीएनजी वगैरह ही भरवानी है और फिर नाना आप मुझे कॉल कर दीजिएगा ईद का चांद नजर आ जाए, सही है, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर खेलिए कॉल आ जाएगी, उसके बाद मुजम्मिल को अभी लेने भी जाना है, देखते हैं, मैं तो कह रहा हूँ चांद नजर आ जाए, कल ईद होगी, बहुत मजा आएगा भाई। यहाँ पर खड़ी करी हुई है हमने अपनी गाड़ी, ये रही बहुत गंदी हो गई, इसको भी साफ करना है, कल ईद है, मेहमानों के घर जाना आना पड़ेगा। तो खैर अभी बैठते अपनी गाड़ी के अंदर और जो अपने घर के लिए निकलते हैं फौरन। तो भाई देखो आप लोग, अभी मैं दिखाता हूँ, अगर कल ईद हो गई ना, ये रश देखो कितना रश है। ओ ये देखो लाइन कितनी लगी हुई है दूध की दुकान पे, ये बाहर तक ये देखो कितने लोग खड़े हुए हैं, ये देखो। तो भाई घर पे आए हो तो देखो क्या सुन रही है, अब्बू बोलने नजर आ गया, ऐलान हो गया, आगे नहीं आया, आगे नजर आ गया। और अब्बू जो यहाँ पर पानी की बोतल लिया है, ये देखो पानी की बोतल लिया है, क्योंकि हम जो है अभी तरावी की तैयारी कर रहे थे, पांच मिनट रह गए, हाथ लेते हैं और मुजम्मिल को लेके आते हैं। मुबारक हो भाई आप सबको, चांद मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। आप बोतल है तो नहीं लेंगे ना, जमात तो पढ़नी, बोतल नहीं लेंगे ना, बस आपकी ले लेता हूँ मैं, सही है। चलो भाई अब हार बार खरीदते हैं और मुजम्मिल को जाके मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि चांद नजर आ गया, आप सबको ईद मुबारक। तो भाई अभी जो फ्लावर शॉप के ऊपर पहुँच चुका हूँ और माशाल्लाह से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, सही है, फ्रेश फ्लावर मुझे लग रहे हैं, ये वाला तो फ्रेश नहीं लग रहा, बाकी अंदर वाले फ्रेश हैं। तो यहाँ से जब इतने फ्लावर खींचते रश देखो, बहुत सारे लोग एहतिकाफ में बैठे होंगे ना, तो अभी जो ईद का चांद नज़र आया है और अब जो इतना रश होगा आगे के, बस क्या बोलूँ मैं। क्या बात, तुम्हारे लिए मंगाया है स्पेशल, माशाल्लाह से आप दोनों को बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, कैसे खैरियत से आप, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप, माशाल्लाह भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं अपना मस्जिद में, माशाल्लाह यहाँ पर हम लोग एहतिकाफ में मौजूद हैं। अच्छा यहाँ जो अभी देखें सारे लोग जो है एहतिकाफ की चादर उठा रहे हैं, अपना सामान उठा रहे हैं, यहाँ पर सामान फेंक रहे हैं। भाई मुबारक हो आपको, कैसे हो, मुबारक हो, देखो सामने। अच्छा मस्जिद में जो है ना हर जगह अपने प्यारे को मिलने आए हुए, क्योंकि एहतिकाफ माशाल्लाह से जो जो बैठे ही रहे यहाँ पे, उनके जितने रिश्तेदार थे सब आए हुए हार लेके, जैसे मैं मुजम्मिल को भी हार पहनाऊंगा, सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो ऐसी जो हम भी उसको मुबारकबाद देंगे, अभी हार पहनाएंगे और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, देखिएगा हर जगह ही ना, मतलब लोग दिखेंगे आपको ना, ये देखें यहाँ भी सारे लड़के हैं, सारे अपने चादर उतार ली, देखें क्लियर हो गया सारा, यहाँ पर मुजम्मिल बैठा था इस जगह ना, मुजम्मिल बैठा था वो, देखा वहाँ से भी चादर उतार रहे सामने लोग ना, वो देखो यहाँ से भी चादर उतर गई सारी, ये यहाँ जो है मुजम्मिल अपना 10 दिन का बोरिया बिस्तर जो अब ये बांध रहे हैं वापस और इसके अंदर रखेगा, ये देखें
क्या बात है, क्या क्या लाए थे? एक तकिया, दो तकिया। अच्छा कोई एतकाफ में बैठना चाह रहा है तो मैं क्या कहोगे उसको, क्या क्या लाना चाहिए? अपना बिस्तर लेके आना चाहिए और वो तो मस्त है, रोजमर्रा की जो चीजें वो लेके आना। हाँ बस पानी वानी, गिलास देखो जैसे इसके गिलास रखे हुए हैं सही, और बाकी इफ्तारी और सहरी में तो आती रहती हुई चीजें ऐसी बात है ना ऐसी। हार, अरे हार तो अभी मैं भी पहनाऊंगा आपको, ये देखो आपको हार भी पहनाना है अभी। कैसे हो बच्चों, आप भी इतिकाफ में बैठे थे? आपका कौन बैठा? अब्बू बैठे हैं, फिर भाई बैठे हैं, क्या बात है, मुबारक हो। हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ, तलाल ब्लॉग्स 2.0। ये अब्बू हार पहना रहे हैं इसको, बड़े बड़े कैमरे ये रखा है, बॉडी दिखा रहे हैं इधर। माशाल्लाह ये काम मुकम्मल हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे काम। अच्छा जब आप एतिकाफ से उठ जाते हो ना तो सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है अपनी चप्पलें ढूंढना। तो मैं याद है तुमने 10 दिन पहले अपनी चप्पलें कहाँ रखी थी यार? वो बेटा यहाँ रखी थी ना, यहाँ तो 10 दिन में इतने लोग आए होंगे सारी चप्पल ले गए होंगे। 10 दिन बाद में बता रहा हूँ, नहीं मिली ना। 10 दिन बाद अपनी चप्पलें ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। कहाँ रखी थी? अब हर जगह ढूंढते रहो, इसके पीछे तो नहीं गिर गई, नई जगह ही नहीं है। ओहो मतलब मैं लंगे पर जाना पड़ेगा आपको ऐसा लगा? मिल गई सवार कदम रखेगा माशाल्लाह से। एतिकाफ में बैठा था मेरा भाई, मेरा कजन और दोस्त टाइम पास में। चलो भैया बाहर निकल गया है, क्या बात है, मुबारक हो, अल्लाह आपका एतिकाफ कबूल करे। तो भाई माशाल्लाह से एतिकाफ से वापस आया तो इसके जो अब्बू है ना मुजम्मिल को जो है ना बाइक गिफ्ट की है, देखो क्या बात है। मुजम्मिल आपकी नई बाइक चेक तो करो। हाँ अभी देख रहा हूँ माशाल्लाह से। कैसी लग रही है आपको? बहुत ही जबरदस्त है बेटा, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू शोरूम से लाए थे, यहीं पर ही खड़ी कर दी, चलाई नहीं अभी किसी ने भी। ये देखें क्या बात है। तो भाई एतिकाफ से पहले जो है ना हम लोग यहाँ पर आए थे आगा जूस पे, तो अंकल ने कहा था कि मुझे दुआ में यहाँ रखना, तो मुजम्मिल अंकल से मिलने आए अभी उनको बताने के लिए। 21 शक को आए थे हम। हाँ आपने मुझे बोल रहे अंकल को देखने जाऊंगा, अंकल ने कहा था मुझे दो में रखना। वो भी तो था लड़के से मिलो, वो भी तो लड़का था। अभी अभी आया सीधा मस्जिद से, मैं इसको आपके पास ले आऊंगा, हार पहनाया कर रहा हूँ तो चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग कहाँ पर जाते हैं। कहाँ चलना है मुजम्मिल, हम किधर चले? कोई खाने वाने का देख लेते हैं फिलहाल ना, छोटा मोटा। चलो सही है। सो गाइस अभी जो है हम पहुँच चुके हैं हुसैनाबाद, ये देखें बम्बई कोला कराई वगैरह। तो अभी जो है ना हमें थोड़ा स्ट्रीट फूड खाना है किसी रेस्टोरेंट, किसी भाई इसको जानने दे यार बड़ी जल्दी है, इसको रुक जा, इसको जानने दे बड़ी जल्दी है भाई। वे देख घुस रहा है जाने दो, बड़ी जल्दी है इसको, बड़ी जल्दी है। तो खैर यार दफा मारते हैं, और हमें जो है ना सीट फूड खाने दफा मारते हैं, ये कौन सा डायलॉग है? तो अभी जो है ना सीट फूड खाने किसी रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, क्यों मुजम्मिल? कोई छोटी मोटी जगह खाएंगे ताकि पेट भी नहीं भरे, क्योंकि फिर ईद भी हो, घर जाके भी शायद कुछ खाना वाना खा लें। तो अभी बस ढूंढते हैं कहाँ जाने। ये देखो फ्री किन फ्राइयाँ का मिल रहा है, मुजम्मिल कहाँ जाना है? ढूंढो जगह, ढूंढो यार। मेरा भी फूल हुआ में, क्या फूल हुआ है? चला जाए मैं जा रहा हूँ। अजीब कोई नाटक करता रहता है, एक तो बंदे को मैं हुसैनाबाद लाया हूँ कि यार कुछ खा लो, लेकिन नहीं अजीब अपना नाटक कर रहा है, पता नहीं क्या मसला है यार, अजीब कोई बंदा ही है भाई। रश तो अलग ही चल रहा है अपने चांद रात का ना, पूरी सीट पे भी। तो भाई अभी जो है ना मुजम्मिल अपने एक दोस्त के पास जा रहा है, तो उसके लिए जो है ना अभी आए हम लोग यहाँ पर PIB, ये चार मीनार है मेरे पीछे, और यहाँ पर आए हम लोग दरबार शरी, और सामने रश देखो कितना रश है। अभी अंदर चलता हूँ तुम लोग को और दिखाता हूँ। भाई ये बंदा मिठाई लेने आया, मुझसे पूछ रहा है कौन सी लूँ, मिठाई लेने आ गया मुझसे पूछ रहा है कौन सी लूँ।
पे। देखो इसका दिमाग का हाल देखो, वैसे इतना रश हो रहा है यहाँ पर, मुझसे पूछ रहे कौन सी मिठाई लूँ। अपने दोस्त को मिठाई देने जा रहा है। पूरी सीख लाती है और यहाँ पर चांद रात को आ गया है, मुझे लिया है और यहाँ पर इतना रश है, तुम लोग खुद चेक करो। पूरा पीछे अब गलियों में आकर उसके बावजूद रश है। वो देखो